कुछ यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करते हैं, कोसा यूनिवर्सिटी मरी। और अच्छी बात यह है कि अब हम देख रहे हैं कि मरी हो या जितने भी हमारे मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ पे एजुकेशन है, उसके मैार को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं। और कोसा यूनिवर्सिटी मरी की एकेडमिक काउंसिल का चौथा इजलास ऑडिटोरियम वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट कश्मीर पॉइंट मरी में मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत वाइस चांसलर कोसा यूनिवर्सिटी मरी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हबीब अली बुखारी ने की। इजलास में नए डिपार्टमेंट्स और फैकल्टीज़ की मंजूरी दी गई है और एकेडमिक कवानीन को रिवाइज़ किया गया है। तमाम डिपार्टमेंट्स के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की सिफारिशात की मंजूरी भी दी गई है और बीएस, एमएस, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज की मंजूरी भी दी गई है। सेक्रेटरी रजिस्ट्रार कोसा यूनिवर्सिटी मरी डॉक्टर मोहसिन इकबाल के अलावा एकेडमिक काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान में सेक्रेटरी एचईडी की तरफ से नामजद करदा मोहम्मद नईम, डायरेक्टर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस लाहौर और बहुत से जो नए लोग हैं उनके हवाले से भी मंजूरी दी गई है। बहुत से नाम अब हम देखेंगे सामने आएंगे और आपको बताएंगे। डॉक्टर मोहम्मद बलाल हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिरकत की थी, जबकि कोऑपरेटिव मेंबर्स में प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना अयूब भट्टी साबिक डीन सोशल साइंसेज फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर खालिद खान डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग प्राइम हेल्थ इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद और डॉक्टर कासिम खान ने भी इस मीटिंग में शिरकत की थी। तो जब बहुत से इदारों के इतने बड़े और बेहतरीन सरबराहान जब मिलकर बैठते हैं तो जाहिर है कि बहुत ही अच्छे फैसले किए जाते हैं एजुकेशन के मैार को बेहतर बनाने के लिए, मैार तालीम को बेहतर बनाने के लिए और ऐसे इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ के मैार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं जहाँ पर बहुत से दीगर इलाकों के लोग भी इकट्ठे होते हैं। बहुत से जो इससे दूर के दराज के इलाके हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। एंड डेफिनेटली हमने कुछ दिन पहले अब इंटरनेशनल एजुकेशन डे पे भी ये बात की थी कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं और हायर एजुकेशन में भी हम अभी उस मयार तक नहीं पहुंचे कि जिस तक पहुंचना चाहिए।